देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। चांदौड़ा सदर बाजार में अपनी समस्याओं के निवारण के लिए किए गए सीएमओ का घेराव, साथ ही सीएमओ से की गई अभद्रता, हुई एफआईआर। चांदौड़ा के सदर बाजार में चांदौड़ा नगर के वासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर नगर पालिका के सीएमओ विनीत उन्नीत को घेराव किया, साथ ही पेयजल के लिए डाली जा रही पाइपलाइन का भी विरोध किया। बाईपास रोड की समस्या के बारे में भी अवगत कराया, जिसके बाद वहां जमा भीड़ में से कुछ लोगों ने बस्तलुकी की और भद्दी गालियां भी दी। वहां से जैसे तैसे सीएमओ निकलने में सफल हो गए, जिसके बाद सीएमओ ने चांदौड़ा थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। सीएमओ विनोद उन्नीत ने नामजद झूमा झटकी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए चांदौड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि सीएमओ को एक जनप्रतिनिधि ने फोन करके वहां बुलवाया था। आपने ठेकेदार की पेमेंट रोक दी, पेमेंट रोकने से पब्लिक को क्या फायदा? एक साल तो हो गया, पब्लिक का पैसा लगा, पब्लिक का पैसा लगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन है मेरा, पैसा मैं टैक्स देता हूँ, उससे अभी क्यों बोलो मैं चाचा जी हैं, बोलिए क्या बोलेंगे, क्यों बोलो धीरे, कैसे बोलो, बात कर रहे हैं कि हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम तो हमारे बदौलत ही बोला बेटा है, और हमारी चार इंच की है, सही करो उसको, हम लोगों को बलों पेट दिए, सही करवा के चालू होगी, भरोसे बैठ दिए, सही करवा के चालू करना, चार इंच में कैसे पानी पिलवाओगे आप घरों को, मुझे वो बताइए, जब भी चालू होना चाहिए आए तो बंद तक चालू मत करवा देना, कोई शिकायत नहीं आपसे और आपसे, हाँ दोनों से हमको कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है कि हमारी पाइप गिर रहा है, वो लड़का मैंने कहीं होना चाहिए, बोला से कहा था इस बात को, मेरे पास वीडियो ना नहीं चाहूंगा, बोला कैसी इस बात को, तो नहीं सामान व्यवहार किया जा रहा, गाय का सामान व्यवहार यार, सामान व्यवहार किया न कहीं कम्युनिटी हॉल, तुझको जब कम्युनिटी हॉल नहीं सुधरा, तू ना दूसरा क्यों बना रहा है, उसको सुधार ना, उसको सुधार जिम, तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम कैसे काम कर रहे हो, क्यों इंजीनियरिंग में चले गए, ये लिख गए कैसे बच गए, सुनो हां आदन नहीं है, आदन नहीं, एक मिनट आदन नहीं, निकल क्या होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट आदन अपने मन जी कैसे बैठे टेक्निकल में, नहीं मैं नहीं लड़ जाता, मैं क्या बात, अगर आपको किसी ने कुछ बोला अगर हो तो मुझे बता दीजिए, क्या क्या हुई, वो ठीक है, उसने क्या किया, उसके बाद में मैंने क्या किया था, जो है सामने बोलता हूँ कि मुझे कहीं फोन इन हो गई, कहीं विधायक प्रतिनिधि पुलिस सोडानी जी का फोन आया कि लोगों का समस्या आ रहे हैं, पानी की समस्या, बाकी मैं गंभीर हो रही कुछ दिनों से उस बारे में कि आप लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं और लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मैंने फिर एक महीने कहा मुझ पर गाड़ी नहीं है, तो खुद ही आए थे और मुझे लेके गए थे यहाँ से, वहाँ पे बातचीत चली रही थी, इसी बीच में सब अच्छा चल रहा था, मैंने आश्वासन भी दिया था उनको कि मैं जल्दी समस्या हल करा दूँगा,
किसी भी में किशोर सिंह है पिंकी, उन्होंने मेरे साथ धुआं झटकी करी, गाली बकी है क्लियर पुस्ट, और ये भी जान से मारने की धमकी दी है। ये सब घटना हुई है अभी सर। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद में अभी थाने में हुआ, अभी मैं परिवार करा लिया, और मैंने SDM साहब को भी और सबको भी अवगत करा दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को, ऐसी घटना पुनः न हो। अपनी समस्याओं को लेके, बल्कि मेरी समस्या नहीं पूरे नगर की समस्याओं को लेके मैंने CMO साहब को बुलाया है। मैंने सर पानी की समस्या को लेके और दूसरी कुछ समस्याएं भी है, उन समस्याओं को लेके मैंने CMO साहब को मैंने बोला, मैं क्या आप पब्लिक के बीच में चली आप, पब्लिक आपसे सवाल पूछना चाह रही है, आप उनके जवाब दीजिए आप पब्लिक। तो मैं CMO साहब को मैं खुद लेके वो मैं पब्लिक के बीच में गया, मैंने पब्लिक के बीच में उनसे बात करी है मैंने, और ऐसा किसी ने भी कोई अभद्र व्यवहार उनसे नहीं किया है कि जिसका CMO साहब खंडन तो या आपत्ति उठा रहा है उसमें इस चीज़ का। हाँ, कुछ पर्सन थे जो उनने कुछ विवाद की स्थिति करी, लेकिन मैंने स्वयं बीच में खड़े रहकर उस विवाद को खत्म किया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, पब्लिक की समस्या थी, जनता की समस्या थी, मैंने जनता की समस्या को CMO के सामने CMO साहब के सामने रखा है, और CMO साहब उसको करते हैं या नहीं करते हैं ये उनके। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। कल सदर बाजार में CMO से अभद्रता का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि कल रात नागरिकों की समस्याओं को लेकर पुनीत सोडानी विधायक प्रतिनिधि CMO विनोद उन्नीत को अपने निवास पर लेकर आए, जिससे नागरिकों की समस्याओं का निवारण हो सके। इसके बाद सभी नागरिकों ने CMO के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें पेयजल समस्या, पेयजल के लिए डाली जा रही पाइपलाइन की समस्या, बाईपास रोड समस्या आदि के बारे में विस्तार से बताया, जिसके फलस्वरूप CMO ने जल्द से जल्द हल करने की बात कही। इसी बीच किशोर सिंह राजपूत नामक एक व्यक्ति ने CMO के साथ अभद्रता की, जिसके कारण CMO ने कर्मचारियों के साथ FIR दर्ज कराई। साथ ही आज SDM नीरज शर्मा को ज्ञापन भी दिया, जिसमें जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, और कहा है कि यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं की गई तो नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखने लायक होगा कि क्या आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। जब तक सफाई काम बंद लगातार दूसरी तीसरी घटना हमला किया बुला के उसके भी अभी तक आरोपी नहीं पड़ता है। अधिकारी इससे भी पहले 2003 में भी ये घटना कर चुका था, और अभी कुछ दिन पहले भी ये प्रधानमंत्री आवास के चक्कर में मुझे फोन पे गाली दी थी, वो मैंने उसको उल्लेख भी किया था। कहीं ना कहीं आए दिन लोगों कर्मचारियों के साथ में अभद्रता गाली अब तो जब हुई, जब साहब के साथ में ऐसी हरकत हुई तो। और ये सर ये लगता है पूरे सुनियोजित घटना थी, व्हाट्सएप पे जो घटनाक्रम हुए उससे लग रहा है कि सुनियोजित है, और मुझे बुलाया गया जानबूझ के बुलाया गया। जैसा ही कल बजे थे सब जगह घटना हुई है, कल मेरे को रात में 8:45 विधायक प्रतिनिधि का फोन आया था कि लोग मार्केट चौराहे पे, चाचौड़ा मार्केट चौराहे पे कुछ लोग समस्या को लेकर इकट्ठे होकर ज्ञापन देना चाह रहे हैं। वो मुझे खुद बिठा के ले गए, और वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पहले से ही बहुत भीड़ थी, और उसमें बेटू जोशी और काफ़ी लोग इकट्ठे, उनमें बहस हुई, मतलब उनने अपनी समस्या बताई, मैंने अपने उनको निराकरण का आश्वासन भी दिया। और इसी बीच में किशोर सिंह नाम है पिंकू, उसने आके मेरे हाथापाई की, मेरे पे गला पकड़ लिया और गाली गलौज की। इसी इसको लेके हमने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब, अपने FIR कल FIR कराई, मेडिकल कराया मैंने अपना, और टोटल कर्मचारी काम बंद करेंगे, ना लाइट ना पानी ना सफाई, जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। और इसके इस आरोपी द्वारा पूर्व में भी कई घटना की जा चुकी है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को भी अवगत करा देंगे, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम कोई काम नहीं करेंगे। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में हुए एक नाबालिग के साथ बलात्कार के विरोध में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक सभा का आयोजन किया, और कहा कि ऐसे बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा और मृत्यु दंड मिलना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जा सके।
छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पीजी कॉलेज के अंदर जो कई दिवस पूर्व एक विभत्स घटना हमारे देश में घटित हुई, एक मदरसे के अंदर एक गीता नामक 10 साल की बालिका के साथ जिस तरीके की कुकृत्य किया गया, उस कुकृत्य के बाद उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक इंसाफ के लिए उसका परिवार लड़ रहा है किंतु उसको किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसका विरोध आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में कराया है। एवं एक धर्म विशेष के लोग जो गलत बात उसके बारे में कर रहे हैं और गीता को भाभी बताने जैसे गंदे प्रयास करके अपने घर के और अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं, उनको भी हमें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ हमारा समाज, ये सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कल को इसी तरीके से हमारे दैर्य की परीक्षा ली गई तो उसके परिणाम बहुत बीनागंज के पास हुई दुर्घटना। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उक्त दंपत्ति बीनागंज से शादी में जा रहे थे, रास्ते में एक जीप ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दंपत्ति का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। ये बीनागंज पर क्या हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? जाते हुए अगर शादी समारोह में मिलने जा रहे थे तो ये जीप से हुआ है। जीप मतलब जीप के और ये लोग कहे थे ये मोटरसाइकिल जीप वाले ने टक्कर मार दी है। इधर से जा रहे थे हाँ भाई कहीं तो सम्मेलन में जा रहे थे। हाँ सम्मेलन जा रही थी अपने अपने ये मतलब अपना रिश्तेदार है अपने तो इसकी साली की शादी। कितनी चोट आई इन लोगों को? मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का कहना है कि जब तक शासन उनकी 5 सूत्रीय मांगे नहीं मानेगा तब तक वह काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संघ की प्रमुख मांगे हैं कि उपयंत्री संवर्ग को प्रारंभिक वेतन ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 4800 स्वीकृत की जाए तथा मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत डिप्लोमाधारी डिग्रीधारी अर्हता प्राप्त संविदा कर्मचारी और उपयंत्रियों तथा निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए तथा शासन द्वारा 30 वर्ष सेवा में उपयंत्री संवर्ग को अनिवार्य पदोन्नति सहायक यंत्री के पद पर दी जाए। हड़ताल का 2 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। पूरे प्रदेश के सारे निर्माण कार्य ठप कर दिए गए और प्रदेश के मुखिया ने जो दो दो तीन तीन बार हमको आश्वासन देने के बाद भी आंदोलन की हमारी जो मांगें थी 5 सूत्री उनका निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया। आश्वासन के बाद मजबूरन में हम लोगों को आंदोलन पर आना पड़ा है। हमारे गुना जिले के पूरे ग्वालियर संभाग के जगह जगह कल हमारे प्रांतीय पदाधिकारी का दौरा था महामंत्री जी, उन्होंने भी सब जगह की जो स्थिति थी वो अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में साथियों में काफ़ी जोश है और दिन पर दिन शासन की जो अभी तक एक तरफ जहां शासन पानी बचाने और सहेजने के लिए विज्ञापनों में लाखों रुपया पानी की तरह बहा देता है, वहीं सरकारी विभागों के द्वारा पानी की किस तरह से दुरुपयोग होता है ये देखने में मिला। इस भीषण गर्मी में जहां शहर के ज्यादातर ट्यूबवेल सूख चुके हैं, साथ ही जनता पानी के लिए परेशान है, ऐसे में पीएचई विभाग में पानी की बर्बादी देखी गई। आज यहां देखा गया कि पीएचई विभाग में जहां पानी के टैंकर भरे जाते हैं वहां टैंकर चालक द्वारा बोर को चालू करके टैंकर को बोर के नीचे खड़ा करके चला गया, जिसके बाद शुरू होती है पानी की बर्बादी। टैंकर के भर्रे होने के बाद भी टैंकर में से पानी फैलता रहा, जिसमें से काफी देर तक पानी फैलने के बाद टैंकर चालक आया और उसने बाल बंद किया, तब जाकर कहीं पानी फैलना बंद हुआ। अब इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा?
लोक कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर। इस शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय व ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। इस शिविर में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल, योगा आदि खेल शामिल किए गए हैं। आज कलेक्टर कार्यालय में इन शिविरों के बारे में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शिविर के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका सीएमओ उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन शिविर की पूरी रणनीति तैयार की। मकसूदनगढ़ में पानी के गिरते जल स्तर के कारण जनता को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, जिसमें पानी की समस्या का समाधान निकालने की बात कही गई। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में नए बोर करवा दिए जाएंगे, जिससे थोड़ी राहत मिल पाए। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी 5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज सिटी कोतवाली पहुंचकर वन कर्मियों ने अपने हथियार जमा कराए। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई हैं हमारे सभी कर्मचारी वन कर्मचारी पाँच तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस कारण बंदी सब शस्त्र सुरक्षा के दृष्टि से कोतवाली में जमा की जा रही है। अच्छा, कौन से विभाग से हैं आप? ये वन विभाग से हैं। करीबन कितने लोग हैं हड़ताल पे आपके? हड़ताल पे तो हम पूरे 95% से ऊपर हड़ताल पे जा रहे हैं कर्मचारी, करीबन से लेकर वन रक्षक। करीबन कितने हथियार जमा कर रहे हैं आप लोग अभी? कम से कम ये हमारे यहाँ की 7 बंदूकें हैं, 1 पिस्टल है, रिवाल्वर है। अच्छा, और अभी आप कर चुके हैं बंद? कुछ बंदूकें उत्तर उधर उत्तर रेंज की हैं, वो जमा हो चुकी हैं कल। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।